हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो सुबह हो चुकी है, हम सब सो के उठ चुके हैं। आज घर में रेनोवेशन का काम होने वाला है, मिस्त्री लगने वाले हैं, तो सब लोग जल्दी जल्दी खाना वाना बना के, ये देख सकते हैं आप कि किचन ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। बस सब्जी बन रही है तो उसे ही गैस पे छोड़ा गया है, बाकी सारी चीज़ें नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रही है। ऑलमोस्ट पूरा रूम खाली हो चुका है और ये मम्मी अभी भी सामान निकाल के उसको पैक करते हुए, क्योंकि अभी हम दीवार कटिंग करवाएंगे तो उससे धूल गर्दा बहुत उड़ने वाले, तो पूरा घर धूल गर्दे से भर जाएगा, इसीलिए नीचे का आधा से ज़्यादा चीज़ें ऊपर शिफ्ट हो रही है। यार बहुत थक गई हूँ मैं, 5-6 बार ऊपर नीचे कंटिन्यू कर चुकी हूँ, बहुत काम करवाते हैं ये। मम्मी क्या कर रही हो? सामान जल्दी हटा रही हूँ, कस्टमर के सारे कपड़े हैं और इसके ऊपर अगर धूल पड़ जाएगा ना तो कस्टमर बहुत गुस्सा करेंगे, तो इसको पहले मैं हटा दूँ। उसके बाद जब मिस्त्री लगेंगे तो डस्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। ऑलमोस्ट सारा रूम खाली हो चुका, बस यही कपड़े बाकी हैं। ये इतने सारे कपड़े हैं, अभी मम्मी के भंडार में और कपड़े हैं, ज़रा दिखाना। ये देखो, ये मम्मी का पूरा खजाना है। ये मेरे खजाने नहीं है, कस्टमर के कपड़े हैं, जिसमें से कपड़े पे कपड़े निकले चले जा रहे हैं। तो ऊपर चल के देखते हैं ऊपर का क्या हाल हुआ है। तो हम पहुंच चुके हैं ऊपर और यहाँ पे सारे लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, कपड़े हटा रहे हैं, और ये खाना ना जो बनाया था वो यहाँ लाके शिफ्ट हो चुका है, पूरे रूम का पसारा हो चुका है। और ये पीहू बेबी अभी भी सोते हुए, हम सब काम कर करके थक चुके हैं और पीहू बेबी अभी भी सो रही है। ये पूरे रूम का पसारा हो चुका है, हमने जो खाना बनाया था वो भी जल्दी से ऊपर शिफ्ट कर दिया है। नीचे के ऑलमोस्ट सामान किचन के ऊपर लाके रख दिए गए हैं। पीहू के सारे खिलौने, टेडी बेयर सब, और सारे कपड़े भी अब हम हटा रहे हैं जो कि बाहर फैले रहते हैं। और मैं फिर से नीचे आ चुकी हूँ और ये मम्मी अपने खजाने को बेड में भरते हुए, जल्दी जल्दी करो, बहुत धीरे धीरे कर रही हो। तो यहाँ पे मिस्त्री आ गए हैं और मेरे हस्बैंड और मिस्त्री दोनों जन आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि दीवार को कहाँ से कितना दूर तक तोड़ना है। और ये देखिए आप, जो है ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कितना काम करना है, घर में कहाँ कहाँ काम करवाना है। और यहाँ पे देखिए, जो है डस्ट ज़्यादा ना उड़े इसके लिए जो है पानी डाल रहे हैं। दीवार की कटिंग होना स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे पानी डाल के जो है दीवार की कटिंग कर रहे हैं। और ये देखो हमारा कालिया है, घर बन रहा है, घर टूटा फूटा पड़ा है और इनको मस्ती सूझ रही है। देखो ये गाइस कहाँ पे बैठा हुआ, बल्टी के अंदर घुस के बैठा हुआ है। और देखने पे जब इसका रिकॉर्डिंग करने लगो ना तो ये कालिया उठ के भागने लगता है। कभी ये बाल्टी के अंदर बैठ जाएगा, कभी वाशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है ना उसके अंदर बैठा, उसको उसमें ना बैठना बहुत अच्छा लगता है। मैं उसका चक्कर आ जाएगा। अम्मा देखो घुमा रही है, पागल है, एक नंबर की। तो दोस्तों इसी में हम लोग रहते भी हैं और इसको रेनोवेशन भी कराना है, तो काम बहुत स्लो करना है क्योंकि इसमें हम लोग रहते भी हैं। तो शाम के टाइम दिन भर हम लोग ऊपर के रूम में रहते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, और नीचे के रूम में काम होता है। फिर किचन तो नीचे ही है तो इसके लिए खाना वगैरह तो नीचे ही बनता है, इसके लिए रात को शाम के टाइम हम लोग साफ़ सफाई करके फिर इसी में करते हैं। तो इसके लिए काम बहुत स्लो हो रहा है। अभी तो ये मिस्त्री का काम हो रहा है कि दीवार को तोड़ना है, कहाँ पे क्या सर्विसिंग करनी है रूम का वो होगा, फिर उसके बाद जो है कारपेंटर का काम होगा क्योंकि मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं, पहले का किचन थोड़ा ओल्ड था। उसके बाद घर में पेंटिंग होगी, तो काम बहुत स्लो हो रहा है। ये मेरी मम्मा
और मम्मा कर रही है सफाई, इधर पूरा कचरा फैला हुआ है, मम्मा उसे साफ कर रही है। अपना चप्पल लेकिन मम्मा ने उतार दिया। हमारा घर अभी तो हमारा घर अभी वर्क अंडर प्रोग्रेस है। उला मम्मी छाप करते हुए गाइस, मम्मी अभी साफ सफाई कर रही है, पूरा जो डस्ट वस्ट निकला था एकदम अच्छे से पूरा घर एकदम धूल धूल हो। तो गाइस चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा घर अभी कैसा दिख रहा है इतनी तोड़ फोड़ होने के बाद। तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। और जो आगे यहाँ पर दीवार थी ना उसको तोड़ दिया है, तो यहाँ से पूरा दिख भी रहा है कि वो दीवार टूटी है। ओ और ये मैं हूँ। तो हमारा जो किचन का दीवार टूटा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और हमारा जो कोट माला था जो यहाँ तक आता था उसको भी पूरा यहाँ से सिर्फ काट दिया है और इतना एरिया निकाल दिया है। और ये जो वायर केसिंग पट्टी से लगी हुई थी ये भी पूरी भी लटक रही है। और मम्मी अभी तक काम ही कर रही है। तो और बाय द वे गाइस हमने अभी एक पार्सल रिसीव किया है, चलो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस नीचे वाले रूम में कहीं पे जगह नहीं थी कि मैं बैठ के अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूं, तो मैं ऊपर वाले रूम में आ गई हूँ। चलो आपको दिखाती हूँ अपने सामान जो आज मैं अपना। बाय द वे गाइस हमने ये जो पैलेट लिया हुआ है मेकअप वाला, ये हमने अपने स्लाइम चैनल के लिए लिया हुआ है। और अगर आपने हमारे स्लाइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके कर देना, वहाँ पर हम स्लाइम की वीडियोस बनाते हैं। गाइस अभी के लिए इतना ही, आपसे मिलती हूँ बाद में। बाय बाय।